please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीजेपी मुख्यालय की बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाजपेयी जी के पार्थिव देह को उनका आखिरी आशीर्वाद लेते हुए अंतिम सलाम अंतिम विदाई अंतिम यात्रा पर निकले वाजपेयी जी, उसके पहले हर व्यक्ति जो वहाँ मौजूद है वो एक बार उनके साथ उनके सामने नमस्कार कर लेना चाहता है, नमन कर लेना चाहता है। चार तस्वीरें आज पहले कल शाम से घर पर श्रद्धांजलि हुई। देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने आकर, तमाम मुख्यमंत्रियों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आके वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी, जिसमें प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, मोहन भागवत, राहुल गांधी, तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के वहां पहुंचे। देश भर में आज शोक के साय में सरकारी दफ्तरों स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, देश पूरा शोकाकुल है। और फिर आज सुबह की तस्वीरें जब अटल जी को उनके घर से रवाना किया गया के पार्थिव देह को बीजेपी मुख्यालय के लिए, बीजेपी दफ्तर तक का ये आखिरी सफ़र उन्होंने अपने घर से तय किया। और फिर बीजेपी दफ्तर में इस वक्त अटल जी मौजूद हैं, उस दफ्तर में जहां वो पहली बार आए हैं और शायद आखिरी बार आए हैं। अटल जी सत्य है कि हमारे बीच नहीं है, पर यह भी सत्य है कि अटल जी यादों में, किताबों में, कविताओं में, शब्दों में और साहित्य में हमेशा हमारे बीच रहने वाले हैं। शेष जी, रामकृपाल जी, घनश्याम तिवारी जी, सौरभ मालवीय जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बीजेपी के आला नेताओं को आप देख रहे हैं। श्रीकांत शर्मा तो मीडिया के प्रभारी हुआ करते थे, आजकल उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और भी तमाम लोग, महेश शर्मा जी केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हैं वो इंतजाम को देखते हुए खुद मॉनिटर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुँचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इन तस्वीरों में तमाम आप महानुभावों को देखते रहेंगे जो महानायक जननायक भारत रत्न वाजपेयी जी को नमन कर रहे हैं, अंतिम सलाम कर रहे हैं। सौरभ जी, वाजपेयी जी के कार्यकाल की अगर बात की जाए, जब वो प्रधानमंत्री रहे उस दौरान में ऐसा कोई वाक्य आपको याद हो, जो आप प्रसंग को याद हो जो आप सुनाना चाहें, जब संगठन और पार्टी के अलावा सरकार के बीच कुछ तालमेल बिगड़ा हो और उसमें उन्होंने क्या रोल निभाया, किस तरीके से सामंजस्य बिठाया? सौरभ जी, सुमित जी, ये तो अटल जी के इस पक्ष को रखने की मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए बहुत योग्य हूँ कि उनके इस प्रसंग को रखी जाए बातें, लेकिन ज़रूर इतना ये है कि जिस व्यक्ति ने संगठन को शून्य से शिखर तक पहुँचाए और शुरू के दिनों में पार्टी के वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस समय उनको संगठन की योजना से, मतलब उसके पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उस प्रचारक होने के बाद कुछ वर्ष काम करने के बाद उनको फिर दूसरी योजना में भेज दिया गया, तो वो पत्रकारिता के लिए आ गए, तो राष्ट्रधर्म में काम किए बचने से पार्टी के साथ, फिर राष्ट्रधर्म के बाद पांचजन्य के संपादक बने, फिर वीर अर्जुन में काम किए, तो वहाँ से आके फिर राजनीति में आए। तो राजनीति में जिस दौर में आए थे, जो कालखंड था, वो कालखंड बहुत ही आज़ादी के तुरंत के बाद का था। एक छोटा सा प्रसंग मैं बता रहा हूँ उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करेगा, कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पंडित नेहरू जी से आयु में तो बहुत छोटे थे वो, तो नेहरू जी ने उनकी तारीफ की थी और अटल जी सार्वजनिक कार्यक्रम में नेहरू जी के पैर छुए थे। ये राजनीति की सूचिता बहुत कम दिखती है। फिर बाद में वहाँ से यात्रा पूरी करते करते और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इतने दलों को लेके चलने का एक अनुभव होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वा होता है, सबसे शक्तिमान शक्तिशाली होता है, और संघ के तरफ से इस कार्य को देखने के लिए कोई ना कोई एक सहसर कार्यवाह होता है। तो आपको भी ध्यान में होगा उस समय संघ की तरफ से मदन दास देवी जी कार्य करते थे। तो एक ऐसा प्रसंग जरूर मैं जिक्र करना चाहूँगा, स्वदेशी आंदोलन, आपको भी याद होगा, रामकृपाल जी हैं, शेष जी हैं, सब लोगों को ध्यान में होगा, संघ का जो एक अनुसांगिक संगठन और बहुत ताकतवर संगठन स्वदेशी जागरण मंच, अभी उस वहीं से आए हुए मुरलीधर राव महासचिव हैं इस समय,
तो स्वदेशी जागरण मंच उस समय दत्तोपन ठेंगड़ी जी भी जीवित थे और उस समय जो मजदूर संघ के लिए काम चल रहा था, तो कई मसले में मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद भी वह बात बाहर नहीं आई और अटल जी ने अपने उस निर्णय के साथ स्वदेशी जागरण मंच के विरोध के बाद भी उन सारी चीज़ों को संभाल लिया। ये जो संगठन की कौशलता है, कार्यशैली है, बात तो बाहर आनी स्वाभाविक ही होती है। आज के दौर में मुझे नहीं लग रहा है कि आज के दौर में के हालात होते तो कहाँ से कहाँ बात हो जाती, किस तरह से जाता, क्या करवट लेता है, कहना कठिन है। लेकिन उस कालखंड में इतना बड़ा संगठन का मोटो और इधर सरकार में अटल जी का होना और स्वदेशी से मतभेद, क्योंकि स्वदेशी ने एक प्रोटेस्ट करने के लिए किया था। दूसरा एक संगठन का जिक्र जरूर करूँगा, आपको ध्यान में होगा कि संघ का एक अनुसांगिक संगठन है विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद बहुत ताकतवर छात्रों के बीच में संगठन है। तो विद्यार्थी परिषद ने संसद घेराव किया था अटल जी के सरकार में शिक्षा नीति को लेके, और अटल जी ने बिल्कुल इस बात को उनकी बात सुने, मेमोरेंडम लिए, डेलीगेशन गया, उससे बात भी किए और उनको जो उचित लगा किए। लेकिन संगठन शास्त्र की इतनी समझ रखने वाले अटल जी, आप उस कालखंड के उनके मंत्रियों को देखिए, संचार मंत्री प्रमोद महाजन, क्या क्रांति हुआ, विकास की अवधारणा को कैसे उन्होंने दिया, सड़क ग्राम विकास योजना, खंडूरी जी को देखिए, और मतलब आप एनडीए से आए हुए सारे मंत्रियों के विकास के कार्यों को देखिए, उन सबको लेके चलते हुए भी संगठन के साथ में इस तरह के मतभेद कभी नहीं आ पाए थे। ये जो कौशलता है इसका जिक्र करना मैं ज़रूर उस शख्स को याद करते हुए करूँगा कि उस कालखंड में जितने लोग आए कार्य, उन्होंने एक और भी प्रयोग किया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक बीजेपी हेड ऑफिस से पत्र जाते थे। इसके लिए एक सहयोग बनाया था, अश्विनी जी पार्लियामेंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, आपको याद होगा, पूरे सेशन के समय पास उस वही देखते थे, बनाते थे। तो अश्विनी जी को इसके लिए बनाया गया था कि ये इस कार्य को देखेंगे, और वहाँ से बात पहुँच जाती थी और आम जन जो भी अपनी ज़रूरत की बातें लेके जाता था तो वहाँ तक आसानी से उस मार्ग तक पहुँच जाते थे। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्होंने की कर दिया कि सरकार और संगठन दोनों के बीच को एक करने का प्रयास किया, इसमें विरोध बहुत आए, संकट भी बहुत आए, लेकिन ये बातें इस तरह से नहीं हो पाई थी कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए, विरोधाभास हो जाए और दो गुट बन के आए। तो एक संगठन कौशलता उनके अंदर जो रही वो और अपने सामने और मज़ेदार बातें हैं कि अटल जी स्वयं संघ के पास एक बहुत गंभीर मसला था कि देश में अटल जी और अडवाणी जी के बाद अगला नेतृत्व कौन करेगा, तो तमाम संगठनों में नए जनरेशन को दे दिया गया। विद्यार्थी परिषद में भी या संघ के जिला प्रचारक या प्रांत प्रचारक स्तर के यूथ लोगों को दे दिया गया था। उन्होंने अपने सामने अटल जी ने नई पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी को खड़ा कर दिए। उसी के बीच में उनके जितने भी मंत्री रहे, राजनाथ सिंह उस समय कृषि मंत्री थे, बाद में पार्टी अध्यक्ष बने। तो ये जो कौशलता है, ये जो संगठनशीलता है उनके अंदर, ये जो कल्पनाशीलता है, ये जो सृजन किया संगठन का, ये अद्भुत है और ये रेखांकित करने वाला मुझे प्रसंग नजर आता है। बिल्कुल, रामकृपाल जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं केवल देखिए, मैं बहुत छोटे छोटे घटनाओं पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे परिवार के भीतर एक कोई ऐसा भी होता है कि जो कहता है कि मैं इस परिवार का हूँ, परिवार में रहूँगा, लेकिन मैं एक अंदर ही एक रिबेलियन होता है। आप याद कीजिए कि जब गांधीवादी समाजवाद की बात हुई थी, जनता पार्टी के दोहरे सदस्यता पर ख़त्म हुए और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में जीत के आई और ये लोग धाराशाही हो गए, उस समय जो कश्यप भाई ने कहा था, वैचारिक बहुत बड़ा द्वंद्व था और एक परिवार के भीतर ही एक जो कट्टर, मतलब बिल्कुल नहीं हम उस तरह चलना है हिंदुत्व वाला जो बात था, बिल्कुल, और दूसरा वाजपेयी जी आने वाले समय की चुनौतियों को समझते थे और वो जानते थे कि संघ एज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह जो भी है, लेकिन अगर आप राजनीतिक विंग, जो पॉलिटिकल विंग होगी, तो पॉलिटिकल विंग को एक सीमित दायरे में अपने ढंग से चलने का अधिकार होना चाहिए। वहाँ से एक दौर ऐसा आया था जब सिर्फ आडवाणी जी और अटल जी और आडवाणी जी, एक तरह से बनवास वाली स्थिति थी, अंदर ही खाने ही, लेकिन डीएनए वही है। कभी भी इन्होंने हमेशा जब कोई बात आई
तो संघ का हूँ, संघ में रहूंगा, लेकिन अंदर एक समय में बहुत अकेले पड़ गए थे। और आज की जो बीजेपी है, मैं आपको फिर अगर मैं सही कहूँ तो ये अपने ही परिवार में इन्होंने एक रिवेलियन के रूप में उभरे और अपनी एक पॉलिटिकल जो थॉट थी उसको लेके आगे बढ़े। जिस बीएमएस की बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ धंदोपन ठेगड़ी साहब के साथ जितना विरोध उस समय भारतीय मजदूर संघ कर रहा था बीजेपी का, शायद ही दूसरा कोई करे। यानी नरसिम्हा राव की जो रिफॉर्म का जो एजेंडा था उसको एक तरह से वाजपेयी जी ने आगे ही बढ़ाया। और उसको आप देखिए, चाहे जो भी सरकारें आई, चाहे मनमोहन सिंह रहे, चाहे जो रहे, क्योंकि इस इकोनॉमिक रियलिटी को समझ चुके थे। सोवियत संघ ढह गया था, कम्युनिज्म का जो एक आकर्षक नारा था वो चाइना ने भी तेंग शियाओपिंग के समय में कह दिया कि खत्म, बिल्ली काली है या सफ़ेद, अगर वो चूहे पकड़ती है तो उसका स्वागत है। यानी कैपिटलिज्म को स्वीकार कर लिया था दुनिया ने 70s में ही। ये रियलिटी खुद सोशलिस्ट सोसाइटी जान चुकी थी। तो हिंदुस्तान में आप खाटी स्वदेशी की बात करना या गांधी वाला हो कि खेती बाड़ी गाय दुधारी, पढ़े लिखे नर नारी हो, ग्रामोद्योग घरेलू धंधे घर घर चरखे जारी हो, उनको लग गया था कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है। तो आप ये देखिए कि एक इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंटिन्यूटी, वाजपेयी जी जैसा व्यक्ति भी कि जो अपने मूल चरित्र को, अपने डीएनए को सहेजते हुए उस चीज को आगे ले जाए जिसमें हिंदुस्तान का भविष्य था। और आज वो मोदी जी तक, चाहे वो 2012 का गुजरात इलेक्शन रहा हो, सबको अपने परिवार में लड़ करके उभरना पड़ा है कहीं ना कहीं से, लेकिन लड़े भी और एक भी हैं। ये बीजेपी और संघ का जो अद्भुत वो है कि हम लड़ेंगे, रिवेलियन भी होंगे, लेकिन परिवार से कभी अलग नहीं होंगे। ये सबके साथ रहा है। आडवाणी जी का क्या हुआ जब जिन्ना को वहां कह करके आए, क्या क्या नोबो, तो आपको पता है जी जी। तो ये परिवार के अंदर जो है, ये अब उसको बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता आज के दिन, लेकिन ये मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर वाजपेयी जी हों जी सर, इन्होंने अपने अंदर भी लड़ाई लड़ी है, बाहर भी लड़ाई लड़ी है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत अटल महत्वाकांक्षा, अटल विल पावर के धनी थे वो। घनश्याम भी बोलना चाहते, लेकिन शेष जी पहले ये आप जोड़ना। जो अभी भैया ने कहा बात, ये मैं कल मेरे दिमाग में आई थी, बार बार आती है, 20 बार आ चुकी है। आडवाणी जी जिन्ना के यहाँ गए और उन्होंने कुछ लिखा और उस पर यहाँ तूफान खड़ा हो गया। अगर अटल जी स्वस्थ होते तो आडवाणी जी की वो दुर्दशा न होती जो कि की गई, क्योंकि नेहरू के बारे में डंके की चोट पे पार्लियामेंट में और बाद में और अभी तक, जब तक बातचीत करते रहे नेहरू से, इन लोगों को एंटीपैथी है, लेकिन नेहरू के बारे में हमेशा उनकी पोजीशन रही। जिन्ना के बारे में, जिन्ना उस देश के फाउंडर थे, जब आप अटल जी जब मीनारे पाकिस्तान गए थे तो यहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला, लेकिन कच्छ नहीं, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी मीनार है। हाँ। हमारे यहाँ गांधी जी के हम लोगों ले जाते हैं। तो इस तरह से अटल जी अगर होते, मतलब बीमार न होते, तो आडवाणी जी का वो दुर्दशा न होती। जो नेहरू जी के साथ उनका प्रसंग बता रहे हैं, एक और बड़ा फेमस प्रसंग है, जब वो संसद में पहुंचे तो नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई। मैंने आज अखबार में पढ़ा, वाजपेयी जी को खुश करने के लिए। नहीं नहीं, वो जब विदेश मंत्री हुए, अच्छा वो उन्होंने, हाँ वो हमको मालूम है, हाँ। विदेश मंत्री हुए तो साउथ ब्लॉक में इनके दफ्तर में गए, पहले भी जाते थे, तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी थी, वो हटाई गई। जब ये गए तो इन्होंने देखा तस्वीर नहीं, उन्होंने कहा ये क्यों है, ये तो लगनी चाहिए, फिर वहाँ दोबारा लगवाई गई इनके सामने। तो वो उनका नेहरूवियन फिलॉसफी को तो मानते रहे विदेश नीति के मामले में, सारे लोग उनके सबसे करीबी सुधीन कुलकर्णी ने आज लिखा ही यही है कि क्या हेडलाइन बता दूं मैं, सुधीन ने लिखा है, सुधीन भाई उनके ब्राइट चेलों में से एक है जी, सुधीन लिखा है डेमोक्रेट इन नेहरूवियन मोड। तो वो है उनका हिजाब। देखिए वो जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, वो राष्ट्र नीति को राजनीति के दायरे से ऊपर हमेशा रखते रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि विदेश नीति राष्ट्र नीति का हिस्सा है, राजनीति का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। या अर्थशास्त्र के बारे में जो उन्होंने कहा, या जो उनका हिंदुत्व का दायरा था, सोच का दायरा था, उसकी एक उसका एक लेख है अमर उजाला में आज, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी का लेख है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनकी दोस्ती का है, जो दोस्ती 1980 से शुरू होती है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि 1980 की बात है, मैं इसरो में था, हमने SLV-3 की सफलता के लॉन्च कर पर रोहिणी उपग्रह को धुरी पर स्थापित किया था। उस बैठक में, एक बैठक बुलाई गई थी, इंदिरा गांधी जी ने बुलाई थी, ये बैठक थी
संसदीय विज्ञान फोरम की, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को प्रतिष्ठित अंतरिक्ष समूह में शामिल करने के लिए बधाई देते हुए मुझे गले लगा लिया और वहां से उनकी दोस्ती 1980 से शुरू हुई। 2002 में अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बनते हैं और थ्रू आउट उन्होंने लिखा है, वो पूछते थे बीच बीच में भी उनसे पूछते थे आपका पोखरण कैसा है, तो पोखरण का एजेंडा उनके दिमाग में सजग था, 1974 से ही सजग था। तो जो अटल अपने नाम के अनुरूप वो रहे, कुछ धारणाएं उनकी ऐसी थी, कुछ निर्णय उनके ऐसे थे जो उन्हें पता था कि ये जब मुझे अवसर मिलेगा मैं अटल तरीके से उस निर्णय पर कायम रहूंगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को बहुत पहले से जांचा परखा था, दुनिया के बहुत बुलंद प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने भारत को का प्रतिनिधित्व किया था।